हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुष्यंत कुमार सिंह अध्ययन द एफर्ट के सिविल डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस सर्वे पेपर जो कि फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस में है उसे डील करेंगे। उससे पहले एक नोटिस, जो बच्चे अभी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते ऑफलाइन वो प्ले स्टोर पर जाकर अध्ययन द एफर्ट ऐप को परचेस करें। हमारे सारे वीडियोस कोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर एडवांस सर्वे में जो पहला चैप्टर हमें देखना है उसका नाम है कर्व्स। बाय कर्व्स क्या होते हैं, चलिए डिफाइन करते हैं। रास्ता सीधा चलते चलते अगर कोई आगे में ऑब्स्टेकल आ जाए, रास्ता सीधा जा रहा है और कोई तालाब आ जाए, कोई नदी आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, तो हमें अपने रास्ते को मोड़ना पड़ता है। नहीं मोड़ेंगे तो भी चल सकता है, क्यों, नदी के ऊपर पुल बन सकता है, पहाड़ काट के टनल बन सकता है, पर खर्च ज़्यादा हो जाएगा कटिंग और फिलिंग का। तो कटिंग और फिलिंग के खर्च को बचाने के लिए हम रास्ता मोड़ लेते हैं। तो रास्ता कैसा हो सकता है, रास्ता ऐसा तो नहीं हो सकता, रास्ता कभी भी होगा तो ऐसा होगा, गोल रोड, दैट इज लाइक दिस कर्व, दिस बेंड इज कॉल्ड कर्व। तो ऑब्स्टेकल रास्ते में आ जाए तो हम अर्थ पर कटिंग फिलिंग का खर्च बचाने के लिए जो रोड को गोल कर देते हैं उसे कहते हैं कर्व। अभी आपने समझा इसे क्यों बनाते हैं, इट इज मेड टू सेव, इट इज मेड टू सेव कॉस्ट ऑन अर्थवर्क, मट्टी की कटाई और भराई से होने वाले एक्स्ट्रा खर्चे से बचने के लिए ये काम हम करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कर्व कितने तरह के होते हैं। मोटा मोटी कर्व दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कर्व, जब कोई सड़क का हाइट नहीं उठ रहा है, यानी जमीन एकदम एक लेवल पर चली जा रही है और मुड़ जा रही है, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कर्व। और अगर कोई कर्व चढ़ते चढ़ते या तो ऊपर हो जाए या नीचे चला जाए, तो क्योंकि हाइट का अंतर हो जाएगा और वर्टिकल प्लेन में हो जाएगा तो वो कहलाएगा वर्टिकल कर्व। जब कोई कर्व प्लेन हॉरिजॉन्टल में हो तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। नेक्स्ट है वर्टिकल कर्व। तो हमने यहाँ समझा व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कर्व, व्हाट इज वर्टिकल कर्व। अभी हम इनके टाइप को देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व कितने तरह का, वर्टिकल कर्व कितने तरह का।
सो वी हैव सिंपल सर्कुलर कर्व, वी हैव कंपाउंड कर्व, वी हैव रिवर्स कर्व एंड वी हैव ट्रांजिशन कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के चार टाइप होते हैं और हम चारों को डील करते हैं। नो सिंपल सर्कल सर्कुलर कर्व का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कि जब एक कर्व में चारों तरफ रेडियस एक बराबर हो, जब एक कर्व में एक सर्कल का चारों तरफ रेडियस एक बराबर हो तो उसे कहते हैं हम सिंपल सर्कुलर कर्व। डेफिनेशन इज वन द रेडियस It is called simple circular curve. एक कर्व जिसका रेडियस चारों तरफ एक बराबर होता है उसे कहते हैं हम सिंपल सर्कुलर कर्व। तो यहीं से आपको कंपाउंड कर्व समझ में आ जाएगी क्या होता है। जब एक से ज्यादा रेडियस हो जाए तो उसे कहते हैं कंपाउंड कर्व। जब किसी कर्व का एक रेडियस होता है तो उसे कहते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। जब किसी कर्व का एक रेडियस होता है तो उसे कहते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। उसका डायग्राम देखते हैं। और यहीं से आता है कंपाउंड कर्व, ऐसा कर्व जिसके एक से ज्यादा रेडियस हो। फिगर में देखते हैं। यहाँ ये एक रेडियस और यहाँ ये दूसरा। एक ही कर्व का दो रेडियस हो गया है, आर वन एक रेडियस, आर टू दूसरा रेडियस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड कर्व। जिनके फॉर्मेशन में दो कर्व दो रेडियस हो जाए तो उन्हें कहते हैं हम कंपाउंड कर्व। तीसरा रिवर्स कर्व। रिवर्स का नाम में ही है रिवर्स, उल्टा हो जाना। कैसा जैसा यानी जो ट्रेवल का जो डायरेक्शन है, एक बार आप एक दिशा में आ रहे होंगे अगली बार वो बदल जाएगा। यहाँ रेडियस का कोई रूल नहीं है, एक भी हो सकता है अलग भी हो सकता है ना, बट मीन दैट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। So when the direction of travel reverses, it is called as
रिवर्स अगला है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व को थोड़ा अच्छे से समझिए। ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है, मान लीजिए आप एक सीधे रास्ते से चले जा रहे थे लाइक दिस, फिर यहां से आपको कोई सीधा रास्ता से जाना है, लेकिन बीच का जो रास्ता है ना वो इस तरह से गोल है, तो क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर दो बार यहाँ से गति चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ से गति चेंज हो जाएगी, तो दो बार ट्रांजिशन है, मतलब स्लो स्पीड फास्ट स्पीड से स्लो और फिर यहाँ स्लो से फास्ट। ये ना रेलवे में बहुत होता है, क्यों, जब भी गोल पाथ पर होते हैं तो ट्रेन की गति थोड़ी धीमी होती है, स्पीड पर तेज होता है, ऐसे में यहाँ जो कर्व बनाया जाएगा वो इस तरह का बनाया जाएगा ताकि फास्ट से स्लो और फिर स्लो से फास्ट को एकोमोडेट कर सके। तो ट्रांजिशन मतलब ये होता है बदलाव, कैसे उम्र होता है, बचपन से बड़े के बीच में एक उम्र आता है जहाँ जवान होते हैं, दैट इज ट्रांजिशन चेंजिंग। यहाँ देखिए दो बार ट्रांजिशन होगा, एक बार फास्ट से स्लो के लिए, एक बार स्लो से फास्ट के लिए, क्योंकि आपको एक बार कर्व से सीधा भी तो होना है, या फिर स्ट्रेट फॉर से कर्व एक बार, फिर कर्व से स्ट्रेट दो, तो ट्रांजिशन का मतलब ही है बदलाव बदलाव। चलिए तो यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व खत्म हो गया, तो हॉरिजॉन्टल में कौन होता है, सिंपल सर्कुलर जिसका एक रेडियस थ्रू आउट, कंपाउंड कर्व दो रेडियस, रिवर्स कर्व जहाँ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल रिवर्स हो जाता है, और ट्रांजिशन जहाँ हालत के मुताबिक बार बार बदलाव लाना पड़ता है तेजी से धीरे धीरे से तेज। अब अगला है वर्टिकल प्लेन। पहला सममित कर्व, दूसरा स्टैग कर्व। वर्टिकल कर्व के दो ही टाइप्स होते हैं, एक स्टैग और एक सममित। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर यदि आप चढ़ रहे हैं तो यहाँ की हाइट कम रहेगी और यहाँ की हाइट ज्यादा हो जाएगी, नीचे की हाइट कम ऊपर की हाइट ज्यादा, तो डेफिनेशन क्या है इसका, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय नेगेटिव ग्रेडियंट, इज कॉल्ड सममित कर्व। जब चढ़ाई हो पहले कम हाइट हो बाद में ज्यादा हाइट हो, तो जहां कम हाइट होगी वहां क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट, जहां ज्यादा हाइट होगी तो वहां होगा पॉजिटिव ग्रेडियंट। दैट इज व्हाई पॉजिटिव अगर आए नेगेटिव के बाद, पॉजिटिव अगर आए नेगेटिव के बाद तो कहा जाएगा सममित कर्व यानी पहाड़। तो सैग कर्व क्या होगा, ऐसा जहां ढाल में हो, तो डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा कि मैम नेगेटिव ग्रेडियंट फॉलोड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव बाद में आए पॉजिटिव पहले आए, फॉलोड when negative gradient followed by positive gradient is called sag curve। सममित कर्व पहले कम हाइट बाद में ज्यादा हाइट, सैग कर्व पहले ठीक हाइट ज्यादा हाइट बाद में कम हाइट, क्यों,
आप अगर नीचे की ओर उतर रहे हैं तो पहले ज्यादा ही होगा। सो व्हाट इज द नेगेटिव ग्रेडिएंट बाय पॉजिटिव ग्रेडिएंट, या नेगेटिव बाद में या पॉजिटिव पहले, तो सेट कर रहे हैं। सो हमारे पास यहां टाइप्स हो गए सेट कर्व एंड समिट कर्व। नाउ आपको अगर न्यूमेरिकल के टाइप पढ़ने हो तो आपको ना एग्जैक्टली पहले जानना पड़ेगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, तब हम उसके न्यूमेरिकल बनाएंगे। सो कंपोनेंट्स, एक फिगर बनाते हैं, दिस इज ए बी, यहां पर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। सो व्हाट वी विल कॉल ए बी, इट इज लेंथ ऑफ लॉन्ग कोर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोर्ड, ये ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो है लॉन्ग कोर्ड की दूरी। अगर हम ए सी बी को बोलें ये क्या है, ए सी बी इट इज द कर्व, एक्चुअली वो कर्व नहीं है, ए से सी, सी से बी, इट इज द कर्व। और ये जो हाइट है ये यहां से यहां तक, मान लीजिए इसको हम बी डैश कहते हैं, तो बी डैश की हाइट क्या है, इट इज कॉल्ड वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, इट इज कॉल्ड वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। पॉइंट सी को बोलेंगे क्राउन, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट सी है, जहां से कर्व शुरू होता है उसे कहते हैं टेंजेंट पॉइंट वन, जहां खत्म होता है उसे कहते हैं टेंजेंट पॉइंट टू। सो ए पॉइंट इज टेंजेंट पॉइंट वन, टेंजेंट पॉइंट वन, बी को क्या कहेंगे टेंजेंट पॉइंट टू, यहां खत्म होता है टेंजेंट पॉइंट टू। यहां पर एक एंगल बन रहा है, अंदर में बन रहा है बाहर में बन रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए एंगल को, एंगल क्या रहेगा ए डी बी, एंगल ए डी बी, और एक बाहर का एंगल होगा ये वाला जिसे हम बी डी लेट्स सपोज एफ कह देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल बी डी एफ, दो तरह का एंगल है, इसको बोलते हैं एक होता है इंटरसेक्शन एंगल, एक होता है डिफ्लेक्शन एंगल। तो जो अंदर वाला है डिफ्लेक्शन एंगल, और बाहर वाले को बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। इसको निकालने का आसान तरीका है, मान लीजिए कि हमारा पता है कि रिफ्लेक्शन का एंगल है 150 डिग्री, इंटरसेक्शन कितना होगा, बस 180 में 150 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, जब पूरे में ये वाला हिस्सा घटा दिया जाएगा तो जो बाकी बचेगा वो बाहर वाला ही बचेगा। सो हमेशा ही 180 डिग्री माइनस रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एंगल, ये याद रखिएगा हमेशा न्यूमेरिकल में। ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, दैट इज डी टी वन या डी टी टू, इट इज टेंजेंट डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड टेंजेंट डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंट डिस्टेंस। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, आप सिंपल सर्कुलर कर्व को भी अलग अलग कंपोनेंट है उसको आप शो कीजिए ड्रॉइंग में। न्यूमेरिकल पार्ट की ओर आता है, न्यूमेरिकल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें सिंपल सर्कुलर कर्व पे ही मोस्टली ध्यान देना है, या तो वर्टिकल कर्व पे या सिंपल सर्कुलर कर्व पे। तो सिंपल सर्कुलर सॉल्व करने का दो मेथड है, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोर्ड मेथड, और दूसरा रेक्टाइल्स मेथड।
टाइम्स मेथड, या तो आप ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम लॉन्गबोर्ड मेथड से सॉल्व करें या रैंक रैंक मेथड से सॉल्व करें, यही दो मेथड पर आपको लेके चलना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।